हेलो सलाम नमस्ते नमस्कार, मैं हूं मैनक राय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर द एक्सप्लोरर। आज बहुत दिन बाद कैमरे के सामने आ रहा हूं क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस भी डाल रहा हूं, बाहर जाना है वो जल्दी निकल रहे कल परसों में। तो आज का जो ये वीडियो है हम लोग जो लास्ट सिक्किम राइड किए थे उसी का बारे में, उसका टूर प्लान, उसका खर्चा, उसके बाद परमिट जो भी है उसका बारे डिटेल्स में। ये सिर्फ बिजली का लग रहा है, ये सिर्फ अपना जो पर्सनल बाइक या कार हो उन लोगों के लिए है। ज़्यादातर हमें वैसे टूर करता हूँ तो उसके बारे में सिलसिले में बात करना है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो टूर प्लान के साथ। टूर प्लान सबसे ज़्यादा मस्ट होता है क्योंकि टूर प्लान अगर आप अगर से पहले से नहीं किए तो बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मतलब कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितना किलोमीटर बाद क्या है नहीं है, कौन सा दिन क्या चुने, ये बहुत वाइटल हो जाता है। तो पहले टूर प्लान करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ने ऐसे टूर प्लान किए, हम लोग पहला दिन जो था आसनसोल से निकले थे, डायरेक्ट गैंगटॉक गए थे, करीबन 568 किलोमीटर, जो सिलीगुड़ी से 116 किलोमीटर और आसनसोल से 461 किलोमीटर सिलीगुड़ी। तो पहला दिन हम लोग गैंगटॉक पहुंच गए, गैंगटॉक पहुंच के आराम से रिलैक्स विलैक्स किए होटल लेने के बाद। दूसरा दिन पहला जो काम करना था परमिट, उसके बारे में डिटेल्स में बाद में बता रहे हैं अभी। पहला जो हम लोग ये परमिट के बारे में बात की, उसके बाद गैंगटॉक पूरा घूमने मस्ती किए। तीसरा दिन हम लोग वहाँ से निकल के लाचेन, जो 124 किलोमीटर है गैंगटॉक से, लेकिन हम लोग थोड़ा सा लेट से निकले तो आराम से घूमते फिरते जाते जाते सूट वूट करते करते लेट हो गया। तो हम लोग जाके शाम तक पहुँच गए लाचेन। हम लोग थोड़ा लेजी भी टाइप के, आराम से जाते हैं। तो फोर्थ डे हम लोग गए वहाँ से गुरुदंगबल लेक, जो कि 66 किलोमीटर है, ज़्यादा देर का रास्ता नहीं, लेकिन रास्ता बहुत ख़राब है। तो वो जाने में ठंड भी था तो बहुत हालत ख़राब हो गया था हम लोगों का दोनों का। तो वहाँ से आके काला पत्थर घूम के वापस आते आते लाचेन में ही शाम हो गया। तो हम लोग सोचा यार कहीं नहीं जाएंगे, लाचेन में आज रुकते, दूसरा दिन गैंगटॉक। प्लान तो था हम लोग का वहाँ से सीधा निकल के लाचुंग में आने का, फिर 0 पॉइंट देख के आने का, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, वो दूसरा बार हो जाएगा। 0 पॉइंट ऐसे भी हम पहले किए हैं तो बाइक लेके जो जाना था वो नहीं कर सके, तो उसके लिए कोई बात नहीं है। हम लोग लाचेन में रुक गए, लाचेन में रुकने के बाद हम लोग वापस गैंगटॉक आ गए। गैंगटॉक आने के बाद वहाँ से हम लोग इस सिक्किम का परमिट लिए, उसके बाद हम लोग निकले इस सिक्किम के लिए। इस सिक्किम जो था वो पहले कुछ पार्ट में होता है, जहाँ जहाँ है, छंगू लेक है, बाबा मंदिर है, नाथुला पास है, ये सभी मेन जगह है। ऐसे होते होते आप लोग नाथंग वैली होते हुए जुलुक तक आ सकते हैं। तो वो बहुत जो है नाथंग वैली में रुक जाता है, कोई जुलुक में रुक जाता है, हम लोग ज़्यादातर जुलुक में जाकर रुके। जो उसका बाद दिन 6 नंबर दिन हम लोग जुलुक से साइड से किए, बहुत ज़्यादा घूमे, जुलुक का जो व्यू पॉइंट सब है सब देखे। उसके बाद हम लोग दोपहर को खाना वाना खा के वहाँ से निकले। शाम को करीबन 6-6:30 बजे हम लोग सिलीगुड़ी पहुँच चुके थे। तो हम लोग दोनों पटना प्लान किए थे सिलीगुड़ी नहीं रुकेंगे, वापस आ जाएंगे आसनसोल। तो हम लोग वहाँ से पूरा एकदम रात भर जर्नी करके आसनसोल वापस आ गए थे। तो ये था 7 दिन का टूर प्लान, मोटा मोटी आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर आप लोगों को जाना है तो कैसे जाना है, नहीं जाना है। अब आता है सबसे मेन पार्ट, परमिट। ये परमिट क्यों लगता है हर जगह परमिट नहीं लगता है। परमिट लगता है जैसे हम लोग का मिलिट्री शासन का है, जो पहाड़ी जगह जिसमें हम लोग का बॉर्डर एरिया है, चाइना हो, पाकिस्तान हो, तिब्बत हो, किसी का संग में जो जगह थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा है, तो उसके लिए हम लोग का परमिट दिया जाता है। क्योंकि परमिट देने से पता चलता है कि इतना गाड़ी गया है, इतना कार गया है, वह कुछ भी गया है, तो हम लोग का मतलब सब कुछ ओरिजिनल रहता है। क्योंकि गाड़ी का कागज़ पत्र लगता है पूरा सा, अपना डॉक्यूमेंट भी लगता है, फ़ोटो भी रहता है, तो एक प्रूफ रहता है कि हाँ मैं इस देश का नागरिक हूँ या घूमने जा रहा हूँ। तो इसके लिए ज़्यादातर हम लोग का परमिट लगता है।
परमिट के लिए तो है थोड़ा सा प्रॉब्लम तो, लेकिन हम लोग परमिट के लिए उतना झंझट में किए नहीं, क्योंकि हम लोग सोचे थे जे चलो यहाँ से अगर टूर एजेंट मिल गया तो लिया 8-8, 1600 रुपया दो बाइक का, तो हम लोग उसमें ही परमिट करा दिए, क्योंकि सारा दिन व्यस्त रहना है, गैंगटॉक में भी घूमना है, शूट वूट करना है, तो इसलिए हम लोग उसको पैसा भी दे दिया, कोई बात नहीं है। तो क्या क्या लगा डॉक्यूमेंट में, गाड़ी का ऑल डॉक्यूमेंट, ब्लू बुक, आपका इंश्योरेंस, पॉल्यूशन गाड़ी का, हम लोग का जो अपना नाम पे उसका ड्राइविंग लाइसेंस, और एक वोटर कार्ड या पैन कार्ड व आधार कार्ड, इसका कुछ जीरोक्स और दो कॉपी फोटो, ये स्पेशली लगता है इसमें, और बाकी कुछ है नहीं। पैसा के बारे में आप लोगों को बता दिए, अब दो उपाय है, आप जाके अपने खुद से भी करा सकते हैं, उसमें पैसा नहीं लगता है, टाइम मार खाएगा थोड़ा सा, और पैसा दे के थोड़ा हो जाएगा जल्दी। क्या घूमना है वो भी थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद बताते हैं बजट के बारे में। आते हैं हाँ खर्चा में, सबसे जो मेन बात है खर्चा, तो हम लोग को जो मेन मोटा खर्चा बोला जाता है, तो उसमें से हम लोग का जो टोटल तेल लगा था, मेरा था 100 168 और अंकित का था ड्यूक 390, तो उसका करीब 4300-400 का तेल लगा था, हमने मेरा लगा था 3250 या 3300 ऐसे लगभग में तेल लगा था, तो ये खर्चा हो गया मोटा। उसके बाद हम लोग गैंगटॉक में जो दो दिन होटल में थे, एक दिन पहला दिन थे या फिर लाचन से आने के बाद वाला दिन था, तो दोनों दिन जो है तो वो हम लोग का सस्ता भी मिल गया, क्योंकि तब सीजन भी नहीं था, तो 1000 रुपया का रूम मिल गया, तो दो दिन का तो 1000-1000 खर्चा हो गया, एक आदमी का 1000 एक दिन का पकड़ के चलो, तो चलो ऐसे हो गया 1000। लाचन में दो दिन थे, एक दिन 700 रुपया, एक दिन 600 रुपया, उसमें खाना पीना ये है इंक्लूड रहना, उसको होम स्टे कहा जाता है, बहुत ही अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा रहता है वो लोग का, कोई बात नहीं है, खर्चा भी कम है, तो 1700 प्लस 600 2300 रुपया यहाँ तक हो गया। फिर हम लोग आके रुके थे जुलूक में जो रुके थे उसमें भी था 700, तो टोटल हो गया 3000 रुपया हम लोग का ये होटल वोटल का लग गया, तो टोटल हो गया हम लोग का 3200 पकड़ चलिए 3600 रहने खाने का थोड़ा सा हो गया। अब पर डे का हिसाब से तो बहुत खर्चा एक्स्ट्रा भी है, खाना पीना कुछ भी, नाश्ता करने जाओ तो मैगी वगैरह ऐसा करके, तो टोटल ये सब मिला के आना जाना, फिर गाड़ी का थोड़ा सा सर्विसिंग भी कराना पड़ता है, वहाँ पर गाड़ी पोछाए धोए चेन क्लीनिंग ये सब भी करना पड़ता है, ये सब मिला के लगभग मेरा खर्चा हुआ था 1150 रुपया करीब, तो सॉरी 1150 सुन के तो आप लोग चमकी किए होंगे, नहीं 11500 रुपया, तो कोई बात नहीं है, हो जाता है, बहुत दिन बाद पकड़ रहे ना, क्योंकि प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, वापस आ रहे फ्लुएंसी कम हो जाएगा, क्योंकि जा रहे परसों हाँ फर्स्ट इंटरनेशनल बाइक ट्रिप, देखने के लिए आप लोग तब देख सकते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में देख सकते हैं, मेरा रॉय मोइनाक 0301 इंस्टाग्राम में, और अंकित का है ankit.prasad_997, तो ये दोनों में आप चेक कर सकते हैं हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे नहीं जा रहे। तो बस आज के लिए इतना ही, खर्चा भी सब कुछ हो गया, अब थोड़ा सा पैकिंग वैकिंग करेंगे, परसों निकलना भी है, तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मज़े में रहिए, टेक केयर, बाय।